भगवान, मैंने कुछ पाप कर दिया क्या? आज मेरे ऑफिस के टीममेट्स बोलते हैं चलो बाहर लंच करने चलते हैं। Okay. तो हम निकल पड़े, पर बिल कौन भरेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। यार राजू गाड़ी निकाल रहे बाबा, पर पटा 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 पटा। फाइनली हम पहुंच जाते हैं पुणे के बंद गार्डन रोड में मौजूद नवाब एशिया में। अरे चलो रे, कितना टाइम पास करते ये लोग। जो भी हो जाए भाई, हम तो बिल नहीं भरने वाले। यहाँ के खाने की बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए लोग यहाँ लेके आ गए हमें। ये ले, अलमारी कौन रखता है यार इधर? मेरे को अलमारी किसने बोला बे? जरा मेन्यू देखते हैं। अबे ये तो जॉब का ऑफर लेटर लग रहा, 400, 500, 1000, 1500। अरे बाप रे, लड़कियों को ही ऑर्डर करने देते हैं, उनका दिमाग इन सब में सही चलता है। हम तब तक पानी पी के खुश हो जाते हैं। दोस्तों जानबूझ के गेट के पास बैठा हूँ, अगर मेरे ऊपर बिल फटा तो मैं यहाँ से हटा। ये मेन्यू देख के मेरा तो ऐसे धक धक कर रहा है। लड़कियों को इतना टेंशन में पहली बार देख रहा था। अरे ये क्या लिखा है चाइनीज में? अंडरूस मंडरूस पुस पुस पुस। व्हाट? ओ तेरी, ये तो बुक उल्टा पकड़ा है मैंने। किसी ने देखा तो नहीं ना? एक्सक्यूज मी भैया, एक काम करिए, हम 12 लोग हैं और बजट हमारा 500 रुपया है। इतने में जो भी है आपके पास वो लेके आ जाइए प्लीज। 500 बहुत कम पड़ेगा मैम। अरे कोई बात नहीं, वो लड़के भूखे रह जाएंगे। Oh, no. जो भी सबसे सस्ता है आपके यहाँ वो लेके आ जाइए 500 रुपए के अंदर। हाँ एक बात बोलूँ क्या मैडम, पानी पी के चले जाइए, 500 भी बच जाएंगे। फाइनली खाना आ जाता है, देखते हैं लड़कियों ने क्या ऑर्डर किया। अबे मिर्ची नींबू प्याज। अरे मैडम ये क्या मंगाया आपने? तुम पे करोगे क्या तो बोलो, मैं ऑर्डर करती। मामले की गंभीरता को भांपते हुए हमारे ये मित्र हर वो बंदे को कॉल लगाते हैं जिसका आज बर्थडे है। अरे डैनी हैप्पी बर्थडे। थैंक्स भाई। अरे नवाब एशिया में आजा, तेरे लिए केक लेके आए हैं, सेलिब्रेट करना है। सॉरी भाई मैं तो अभी दुबई में हूँ। नंबर यू हैव कॉल्ड हैज बीन डिस्कनेक्टेड। अरे यार दूसरा बकरा ढूंढना पड़ेगा। अरे अजार हैप्पी बर्थडे। फाइनली खाने का बिल भरने के लिए एक बकरा मिल जाता है। सर आप यकीन नहीं करेंगे, रस्ते में आते वक्त 2 जानवरों की जान बचाई मैंने। अरे वाह कैसे? राइट से बिल्ली आ गया, लेफ्ट से भैंसा और बीच में एक आदमी खड़ा था। अच्छा तो तूने ब्रेक मार दी होगी है ना? नहीं, जानवरों को बचा के आदमी को उड़ा दिया। What? बहुत दूर उड़ के गया वो। चलो गाइस केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों इस खुशी के मौके पे आज की ये पार्टी अजहर भाई की तरफ से आप मंगाओ ना भैया, जो भी आपके यहाँ महंगे महंगे आइटम से सब एक एक प्लेट लेके आ जाओ। Okay. मैं क्यों आया इधर? बेटा तू आया नहीं, लाया गया है। फाइनली खाना सर्व होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वेटर ने हम सबको 2-2 चिकन के टुकड़े दिए पर हमारे मैनेजर सर को सिर्फ एक टुकड़ा क्यों दिया? हर पार्टी में एक वेज वाला बंदा ऐसे जरूर मिलेगा जिसकी आधी जिंदगी बस नॉन वेज वालों को घूरते हुए और पनीर के इंतजार में ही खत्म हो जाती है। अरे यार ये सारे लोग बस चम्मच पीट रहे हैं, अगर मैं हाथों से खाऊंगा तो मेरी फुल बेइज्जती कर देंगे यार। हे भगवान, मैंने कुछ पाप कर दिया क्या? दोस्तों खाना खत्म होता है और बिल आ चुका है। ये लोग बोल रहे हैं कि बिल बहुत ज्यादा है, एक बंदा अकेले सह नहीं पाएगा, इसीलिए सबको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पतली गली से निकलने का टाइम आ गया गाइस। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा कॉल आया, मैं 2 मिनट में आता। भरने दो उनको पैसे। आई एम अ बैड बॉय।